भागम भाग वाली दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हर शख्स धन दौलत वाली जिंदगी जीने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस लोभ मोह माया वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है बाड़मेर जिले की अंकिता की। अंकिता महज 24 साल की उम्र में सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पथ की ओर अंगीकार करेगी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर चुकी अंकिता सांसारिक जीवन त्याग कर संयम पथ अंगीकार कर रही है। आगामी 11 मई को आंध्र प्रदेश के गटूर में बाड़मेर की अंकिता की दीक्षा होगी। अंकिता के पिता बाड़मेर के छोटे से गांव पादरू के एच ललित कुमार पेशे से व्यवसायी है और वह मदुराई में काम करते हैं। अंकिता 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। अंकिता अब बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो सतरंगी परिधानों से निकलकर श्वेत वस्त्र धारण कर धर्मपता को और ऊंचा करेगी। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। इस दिन के लिए तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी, आज हो गया, सपना पूरा हो गया। माँ की भावना थी, मेरा ड्रीम बन गया। बस इससे ज़्यादा माँ के साथ तो क्या कहूँ। कभी पाठशाला भी जाना हुआ तो भी, काम अगर रहता था तो भी पाठशाला पहले, कभी मेरी पाठशाला की छुट्टी नहीं करवाई, खुद काम कर लेते थे। लेकिन जिन शासन का कोई भी काम मुझसे नहीं छूट जाए, इसका हमेशा ध्यान रखा है। ऐसी वीर माता मिली है मुझे। सभी से यही विनंती है कि ऐसी माँ हर किसी को मिले। मेरा BBA कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 2 ईयर्स केक का बिजनेस किया था घर पे, बेकिंग का, और फिर साहिब का मिलन हुआ और फिर मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। गिरनार की नवानु यात्रा 2019 में मैंने की थी। वहाँ पे लिए हुए कुछ अभिग्रह से नेम के ऊपर श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी, फिर संसार छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा उसे, छूट गया। जिनके हाथ पे सद्गुरु का हाथ आ जाएगा, उसके बाद इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये कुछ भी नहीं लगेगा। वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। अभी आज से वो दिन मेरा शुरू हो चुका है, मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है। बस अभी एवरी डे इतना आनंद में रहना है कि दादा अभी आपसे दूर नहीं रहना है।